श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को एक महीने के इलाज के बाद मेदांता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें ग्रीन कॉरिडोर के जरिए लखनऊ से अयोध्या ले लाया गया, इसकी जानकारी मेदांता के डायरेक्टर ने दी है। खबरों के मुताबिक महंत के फेफड़े में जमे हुए खून के थक्कों को हटाने का ऑपरेशन सफल किया गया था, जिसके बाद उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में एक विशेष टीम की निगरानी में एक हफ्ते रखा गया। बेहतर होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बीते 2 सितंबर को मुंबई से लौटने के बाद सीएम मेदांता लखनऊ हॉस्पिटल पहुंचे थे। इससे पहले सीएम योगी 10 नवंबर को मेदांता हॉस्पिटल गए थे। महंत नृत्य गोपाल दास के भर्ती होने के बाद लगातार मेदांता के डॉक्टरों के संपर्क में थे और उनके स्वास्थ्य संबंधित चल रहे इलाज के बारे में जानकारी ले रहे थे। आपको बता दें कि 9 नवंबर को महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के साथ सीने में दर्द समेत कई अन्य दिक्कतें थी। न्यूज़ डेस्क।